राष्ट्रपति ने सभी ने मिलकर के 18 महाविद्यालयों को मान्यता दी है। इसमें कई महाविद्यालय ऐसे हैं जो दोनों कमरे में अपने कॉलेज चला रहे हैं, जिनकी कोई लैब नहीं है उस कॉलेज में, कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है, फिर भी जीवाजी विश्वविद्यालय ने उनको लेन देन कर भ्रष्टाचार कर उनको मान्यता प्रदान की है। विद्यार्थी परिषद विगत 15 दिनों से यहाँ पे आंदोलन कर रहा है। आज विद्यार्थी परिषद की मांग है कि ऐसे महाविद्यालयों को विद्यार्थी परिषद की मांग के तहत ऐसे महाविद्यालय की मान्यता रद्द की जाए। यदि कुलपति सर ऐसा नहीं करते तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा और विद्यार्थी परिषद की चेतावनी है कि धारा 52 लगाकर ही विद्यार्थी परिषद मानेगा, तब तक विद्यार्थी परिषद यहाँ से हटेगा नहीं। 200 कॉलेज थे इस तरीके के, 200 कॉलेज थे इस तरीके के 200 कॉलेज है, किंतु विद्यार्थी परिषद ने प्रत्यक्ष रूप से 18 कॉलेजों की फाइलें मंगाई है, जिसमें 4 से अधिक कॉलेजों के हमारे पास प्रमाण है और सबूत है, जिनमें किसी भी कॉलेज में कोई कमरे नहीं है, लैब नहीं है, ना ही ऐसे कोई शिक्षक है। उनकी समरी तक जीवाजी विश्वविद्यालय में लिखी है कि ऐसी ऐसी स्थिति है, फिर भी उनको ऐसे कॉलेजों की मान्यता दी गई। ये कहीं ना कहीं कुलपति के समक्ष एक भ्रष्टाचार दिखाई देता है, जिससे पूरे छात्रों में आक्रोश है और इसी के तहत आज विद्यार्थी परिषद आगे विद्यार्थी परिषद पूरे संभाग स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी और 52 लगाकर ही हटेगी, क्योंकि ऐसे कुलपति जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, दोनों कमरों में कॉलेज चलाने वालों को मान्यता प्रदान करते हैं, ऐसे कुलपति के खिलाफ विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।